टीम इंडिया में धोनी की वापसी तय, क्या वर्ल्ड कप से पहले बीसीसीआई कर सकता है बड़ा फैसला। जी हां, बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में और मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। इस बार वर्ल्ड कप टीम इंडिया के लिए बेहद अहम होने वाला है। पिछले 10 साल से भारत ने कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती थी। पिछली बार जब भारत ने आईसीसी खिताब जीता तो वो साल था 2013, तब टीम ने चैंपियन ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। उसके बाद से भारत ने 9 बार आईसीसी टूर्नामेंट खेला जिसमें एक भी बार जीत हासिल नहीं कर पाया। इस दौरान टीम ने 4 फाइनल और 4 सेमीफाइनल खेले हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब वो कौन है जो टीम इंडिया को जीत दिला सकता है। जब भारत ने आखिरी बार आईसीसी ट्रॉफी जीती तब टीम की कमान महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में थी। तो काफ़ी फैंस से डिमांड कर रहे हैं कि टीम में धोनी की वापसी होनी चाहिए, बतौर खिलाड़ी नहीं, बतौर कोच या मेंटोर। तो अब शायद उन फैंस को खुशखबरी मिल सकती है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि धोनी को जिम्मेदारी जो मिलेगी वो हो सकता है वो टीम में बतौर मेंटोर आ सकते हैं। टीम मैनेजमेंट महेंद्र सिंह धोनी को एक बड़े जिम्मेदारी भी सौंप सकती है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वर्ल्ड कप 2023 के लिए जो धोनी है उनको टीम में मेंटोर बनाया जा सकता है। ये खबर सुनकर सोशल मीडिया पर धोनी के फैंस खुश होते हुए दिखाई दिए। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 आईसीसी खिताब अपने नाम किए थे। इनमें 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप, वो सबको याद होगा जिस तरीके से धोनी ने लास्ट जो 11 गेंदें बची थी, 11 गेंदों में भारत को 4 रन की आवश्यकता थी और धोनी ने एक बेहतरीन सिक्स लगाकर टीम इंडिया को 28 सालों बाद वर्ल्ड कप जिताया था। अगर बात की जाए 2013 की चैंपियन ट्रॉफी इसमें शामिल है। इससे पहले भी एक बार महेंद्र सिंह धोनी को टीम में बतौर मेंटर भेजा गया था साल 2021 के T20 वर्ल्ड कप में। धोनी भारत में मेंटर थे, हालांकि उस वर्ल्ड कप में भारत का जो प्रदर्शन था काफ़ी निराशाजनक रहा। हालांकि धोनी क्या योगदान दे सकते हैं और वो टीम के लिए क्या कर सकते हैं ये बात किसी से छिपी नहीं है। बोर्ड भी महेंद्र सिंह धोनी के एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाना चाहेगा। इसके अलावा धोनी की कप्तानी में भारत ने जो टीम इंडिया थी वो वर्ल्ड कप अपने जो नाम किया था वो वर्ल्ड कप भारत में हुआ था। इस बार वर्ल्ड कप भी भारत में ही होना है। ऐसे में धोनी तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। इस बीच अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के महान पूर्व विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट ने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप के लिए एक सलाह दी है। गिलक्रिस्ट ने स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए कहा कि टीम इंडिया को पूर्व ओपनर सचिन तेंदुलकर और MS धोनी जैसे महान खिलाड़ियों से बात करनी चाहिए। वहीं अगर बात की जाए तो आगे गिलक्रिस्ट ने कहा कि मैं यह जानने का दावा नहीं कर सकता कि भारतीय खिलाड़ी होना या भारत में खेलना कैसा होता है, यह हमेशा दिलचस्प होता है। अगर मैं टीम इंडिया के किसी सीनियर पद पर होता तो मैं सचिन और MS जैसे लोगों से आग्रह करता कि वे आएँ और टीम में समय बिताएँ। अगर वो उपलब्ध हों, अपना सारा समय, अपना जो खिलाड़ी है उनको दें, अपना अनुभव खिलाड़ियों के साथ साझा करें, तो ये वाकई में टीम इंडिया के लिए और जो यंगस्टर हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। आखिर जिस तरीके से बात की जाए 2023 का वर्ल्ड कप जो होना है उसमें अगर बात देखेंगे आप, केवल 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2023 वर्ल्ड कप में जो खेल रहे हैं वो 2011 वर्ल्ड कप में खेले थे। हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की और एक एक्सपीरियंस स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की। ये दोनों खिलाड़ी 2011 के वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे। तो जो समय टीम थी उसमें आपके साथ बाएं हाथ के गेंदबाज थे। हो सकता है कि इस साल अगर आपके पास बाएं हाथ के गेंदबाज नहीं है तो वो कमी भी टीम इंडिया को खल सकती है। लेकिन जिस तरीके से उस समय आप देखेंगे पार्ट टाइम गेंदबाजों की टीम इंडिया में भरमार थी 2011 वर्ल्ड कप में। सहवाग भी बॉलिंग करते थे, सचिन तेंदुलकर बॉलिंग करते थे, और बात की जाए जिस तरीके सुरेश रैना या युवराज सिंह जो उस समय मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुए थे, तो 4-5 जो इनके पास बॉलर थे या पार्ट टाइम बॉलर जो आकर विकेट लेते थे, ये वाकई में काफ़ी अहम था 2011 वर्ल्ड कप जीत में। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि BCCI का ये बड़ा फैसला लेगी, क्या महेंद्र सिंह धोनी को बतौर मेंटोर टीम में इनकी वापसी होगी। फिलहाल खेल से संबंधित ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।